नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हृदय आपके साथ। आज 10 अगस्त है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। अब परवर्धा तथा इरई डैम के दरवाजे खुले रहने के कारण चंद्रपुर शहर अब पानी से घिर गया है। एक ओर जहां वर्धा नदी उफान पर बह रही है, जिसके कारण इरई नदी के पानी के लिए रास्ता ही शेष नहीं है, और अब वही बैकवाटर चंद्रपुर के नदी किनारे बसे बस्तियों की ओर अपना रुख कर चुका है। चंद्रपुर जिले के माजरे में बाढ़ के पानी से सभी तरफ अफरा तफरी मची हुई है। यह लगातार तीसरी बार है जब माजरी वासियों को इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पिछले बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मिला ही नहीं कि फिर एक बार वही हालात पैदा होने से बाढ़ पीड़ितों में रोष दिखाई दे रहा है। इस वर्ष की बारिश ने चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में कोहराम मचाया है। लगातार तीसरी बार चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले का संपर्क तेलंगाना से टूट चुका है। वर्धा नदी पर बंधे अपर और लोअर वर्धा बांध से लगातार पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण वर्धा नदी पर जितने भी पुलिया है उन पर से पानी गुजर रहा है और रास्ते बंद हो चुके हैं। विशेषकर बलारसा और राजूरा के बीच का संपर्क चारों ओर से टूट चुका है। वनी से गढ़चांदूर आ रही बस के दो पहिए नदी के पुलिया पर चढ़ने से पहले निकल गए। बस चालक के सतर्कता एवं सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टला। गौरतलब है कि बस में 18 यात्री सवार थे, जिनकी सांसें पहिया निकलने के कारण अटक गई थी। अगर यही हादसा पुलिया पर होता तो निश्चितवश बड़ी दुर्घटना होने से रोका नहीं जा सकता था। अतिवृष्टि के कारण चंद्रपुर जिले के प्रसिद्ध घोड़ाझरी तालाब को पर्यटन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण पर्यटकों में काफी मायूसी दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि घोड़ाझरी को अभयारण्य घोषित किया गया है, बावजूद इसके पर्यटकों की भीड़ यहां उमड़ती है। एक ओर हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, वही इस अभियान के कारण कई शिक्षकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कई जगह तिरंगे के लिए पैसे ना होने के कारण शिक्षकों से 500 रुपयों की वसूली की जा रही है। ऐसे में शिक्षक कह रहे हैं कि इस अभियान को साथ ना दे तो वह देशद्रोही कहलाएंगे। ऐसे में इधर कुआ तो उधर खाई, ऐसी हालत इन शिक्षकों की नजर आ रही है। चंद्रपुर के पड़ोली स्थित चड्ढा ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी विभाग द्वारा छापा डाला गया। गौरतलब है कि कोयला क्षेत्र में चड्ढा ट्रांसपोर्ट कई वर्षों से काम कर रहा है। खबर है कि इस छापे में कई संदेहास्पद दस्तावेज जीएसटी अधिकारियों के हाथ लगे हैं। पिछले दो दिनों से अधिकारी यहां डेरा डाले हुए हैं। बल्लारपुर से काजीपेट की ओर जा रहे रेल मार्ग पर रेलवे की टक्कर से बाघ के दो टुकड़े हुए। यह मामला तब सामने आया जब आज सुबह गैंगमन रेलवे लाइन की जांच कर रहा था। यह हादसा राजूरा के समीप हुआ। में अमेजॉन कंपनी के 12 डिलीवरी बॉयज की आईडी हैक कर एक फर्जी कंपनी ने अमेजॉन को 3 करोड़ का लगाया चूना। फर्जी कंपनी ने यह कारनामा केवल 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच किया। ग्राहकों के पैसे वह फर्जी कंपनी में ट्रांसफर करते गए। अमेजॉन के ऑटोमेटिक सिस्टम में भी की थी गड़बड़ी, मगर अमेजॉन कंपनी की आंखें जब खुली तब तक देर हो चुकी थी। पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में कब कौन सा मोड़ आएगा ये कहा ही नहीं जा सकता। राजनीति में हो रही उथल पुथल से राजनीतिक धुरंधरों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में हेर फेर के बाद अब बिहार में भी पत्तों ने बाजी पलटी। नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर नया दामन थाम लिया। नीतीश कुमार का यह फैसला देश की राजनीति पर क्या असर करेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यदि आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।